फ्रेंड्स, मैं हूं निशा और आप सभी का मेरा यूट्यूब चैनल निशा कुकिंग मास्टर में स्वागत है। एक बार फिर मैं आपके सामने हाजिर हूं नया वीडियो लेकर, जिसमें मैं आज दिखाऊंगी फॉर्मफेट मछली। तो फॉर्मफेट मछली हम कैसे बनाएंगे वो हम दिखाएंगे, यानी कितनी टेस्टी होते हैं वो भी हम दिखाएंगे, और ये खाने में भी बहुत टेस्टी है। तो सरसों डाल के बनाऊंगी तो ये बहुत ही टेस्टी लगेगा। तो इसको अच्छे से साफ कर लेते हैं पहले, फिर साफ करने के बाद फिर हम इसे बनाना दिखाएंगे। मछलियों को मैंने अच्छे से साफ कर लिया है और ऐसे पीस कर लिया है मैंने दो हिस्से में। तो सबसे पहले इसमें नमक डालेंगे, हाफ चम्मच, बड़े चम्मच से हाफ चम्मच करके नमक डालेंगे। और मैंने आधा नींबू ले लिया है, नींबू का रस डालेंगे। इसे 10 मिनट हम रखेंगे। रखने के बाद थोड़ी सी हल्दी पाउडर इसमें डाला है और थोड़ी सी लाल मिर्ची पाउडर ऐसे ऊपर ऊपर थोड़ी सी डाला है मैंने, क्योंकि इनको हल्की सी फ्राई करना है। तो इसे अच्छी से मैंने बीच में चीर नहीं लगाया है, चाकू से नहीं काटा है, क्योंकि मैंने दो हिस्सा से कर लिया है तो ऐसे ही जल्दी मसाला घुस जाएगा इसके अंदर। और ये मछली तो बहुत ही टेस्टी होता है, ये बहुत ही बढ़िया लगता है। तो सारे को हम ऐसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। मैंने सूखी मिर्ची ले लिया है 4, मैंने आधा किलो फॉर्मफेट मछली लिया है, बड़े चम्मच से 1 चम्मच, और हाफ चम्मच मैंने धनिया ले लिया है, और 1 चम्मच मैंने जीरा ले लिया है, 4 सूखी साबुत मिर्ची ले लिया है, और थोड़ी सी काली मिर्ची और सरसों। इन सबको मैं सील से पेस्ट बना लेती हूँ। इसका हमने पेस्ट बना लिया है। और लहसुन मैंने 8 से 10 के लिए लहसुन ले लिया है, और थोड़ा सा अदरक ले लिया है, इसका भी पेस्ट बना लेते हैं, और हरी मिर्ची का भी थोड़ा पेस्ट बनाएंगे ताकि ये बढ़िया लगता है। आप इसे कम कर सकते हैं, ऐसे 2 भी बना सकते हैं। इन सब का भी हम पेस्ट बना लेंगे, टमाटर और प्याज का। कढ़ाई में डाल देते हैं मस्टर्ड ऑयल और गैस को ऑन कर देते हैं। कढ़ाई मैंने चढ़ा दिया है और इसे गरम होने देते हैं। मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया है इसमें। मछलियों को हल्की सी फ्राई करना है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। एक एक करके मछली डाल देते हैं इसमें। तेल को बहुत ही गर्म करना पड़ेगा, नहीं तो नीचे चिपक सकता है ऐसे। इनको फ्राई करना चाहिए। हल्की सी फ्राई करना है, ये दूसरी तरफ ऐसे कर देती हूँ इनको। ओहो, ऐसे हल्की हल्की सी। मछलियों को उठा लेते हैं, मैंने हल्की सी फ्राई किया है, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। ऐसे एक एक करके सारी मछलियाँ हम ऐसे उठा लेंगे। जो बचा है वो मछली भी आप फ्राई कर लेते हैं, कम कर लेते हैं। ऐसे मैंने तेल को कम कर लिया है, और जो मैंने खड़ा मसाला लिया है थोड़ी थोड़ी करके, मैंने छोटी इलायची लिए हैं 4, 1 तेज़पत्ता, ये सब मैं डालूंगी। तो हरी मिर्ची को पहले डाल देते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट बहुत बढ़िया लगता है हरी मिर्ची का। सबको हम डाल देते हैं।
थोड़ी चटकने देते हैं। गैस को मैंने धीमी कर दिया है। उसके बाद थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालूंगी इसमें, थोड़ी सी हल्दी पाउडर डालूंगी। उसके बाद ही मैंने प्याज डालूंगी। प्याज को मैं अच्छे से भून लूंगी, 2 से 3 मिनट इसको मैं अच्छे से भून लेती हूँ। प्याज को मैंने 3 से 4 मिनट भून लिया है और मैंने जो पेस्ट बनाया है वो अब डाल देते हैं। और इसे ऐसे करके 1 मिनट और घुमा लेते हैं, इसे तो मसालों को फ्राई कर लेते हैं हल्की से। जो मैंने पेस्ट तैयार किया है, अगर आप लोग इसी तरह ये पेस्ट बनाएंगे आप लोग तो बहुत ही टेस्टफुल बनेगा ये। और एक बार बना के आप लोग बार बार बनाने की कोशिश करेंगे कि ऐसा मछली हम दोबारा बनाएंगे। 2 मिनट और भून लेते हैं इसे, तभी हम टमाटर सॉस डालेंगे। नमक डाल देते हैं इसमें, आप पेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना नमक, डाल लीजिएगा। मसाला को मैंने अच्छे से भून लिया है और जो मैंने टमाटर पेस्ट रखा है वो अब हम डाल देते हैं इसमें और इसे अच्छे से भून लेते हैं। मसाला को अच्छे से भून लिया है, अभी इसमें थोड़ा पानी ऐड करेंगे। इसका हल्का ग्रेवी बनाएंगे और जो मछली मैंने फ्राई करके रखा है वो हम अब डालेंगे। एक एक करके उबल आने लगा है, अब हम एक एक करके डालेंगे। ऐसे जो मसाला मैंने पेस्ट किया है, जो मिर्ची धनिया उन सबको आप मछली के ऊपर लगा के, टमाटर नहीं और प्याज भी नहीं, बाकी मसाला जो मैंने पेस्ट किया है उन सबको आप लोग इसके ऊपर लगा के आप फ्राई करके भी खा सकते हैं, वो भी बढ़िया टेस्ट लगते हैं। हम सारे मछलियों को ऐसे डाल देते हैं और इसे ढक देंगे, एक बार हिला देते हैं इनको ऐसे। इस तरह से हिलाने के बाद 3 से 4 मिनट इसे पकाएंगे, फिर बाद में हम खोल के इसे और एक बार देख लेंगे। मछलियों को देख लेते हैं, मैंने हाई फ्लेम करके इसे उबाल लिया था, फिर मैंने लो फ्लेम में धीरे धीरे इसे पकाया। अब हम इसे देख लेते हैं, तो बहुत ही बढ़िया बन के रेडी हुआ है। मैं अब इसे खोल के दिखा देती हूँ, आप लोग ऐसे भी हिला सकते हैं इनको, नहीं तो ये टूटने का चांस रहता है। और फ्राई आप ज़्यादा नहीं करेंगे, ऐसे करेंगे। अगर आप लोग ऐसे फ्राई खाना चाहते हैं तो मसाला को अच्छी से मतलब पीस के उसके अंदर मछलियों को चाकू से थोड़ा थोड़ा पीस लगा के आप लोग काटिएगा तो बहुत ही बढ़िया लगेगा। मैं खोल के दिखा देती हूँ मछली कैसे बने हैं हमारे, परफेक्ट बने हैं। आप लोग ऐसे घर में ज़रूर बनाइएगा, जब अच्छे बन जाते हैं तो मन में ही बहुत ही खुश खुश लगता है। ऐसे मैं बहुत खुश हो जाती हूँ, बहुत अच्छे से बन जाता है। तो आप लोग घर में ऐसे ही ट्राई करिएगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिएगा और मेरे साथ बने रहिएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।